झारखंड राज्यसभा चुनाव के 2 सीटों के लिए हुए चुनाव में झामुमो के शिबू सोरेन और भाजपा के दीपक प्रकाश की जीत हुई है। शिबू सोरेन को कुल 31 मत प्राप्त हुए हैं, जबकि दीपक प्रकाश को 30 मत मिले हैं। कांग्रेस उम्मीदवार शहजादा अनवर को महज 18 मत प्राप्त हुए हैं। इससे कुल 79 विधायकों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स और मैं हूं आर्यन गुप्ता। आइए खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कदमा में लोडेड पिस्टल के साथ शाती अपराधी गिरफ्तार। बाजारों में लौटी रौनक, कपड़े और जूतों की दुकानें खुली। मास्क और हेलमेट नहीं पहनने बाइक सवार को रोकने पर पुलिस से ही उलझा युवक। भारत चीन सीमा पर तनाव जारी, दोनों ही मुल्कों की सेनाएं अड़ी। और भैरागोड़ा के लाल शहीद गणेश हांसदा को दी गई अंतिम विदाई। और अब खबरें विस्तार से। जिला पुलिस ने उलियान में एक ही बाइक पर सवार 3 युवकों को पकड़ा, जिनमें से एक शातिर अपराधी निकला। उसके पास से एक लोडेड पिस्टल बरामद की गई है। पकड़े गए तीनों बदमाशों में से एक कदमा भाटिया बस्ती निवासी रघुनाथ मुन्ना है, जबकि अन्य 2 भी कदमा का निवासी है, जिनके नाम शिवम और शिवामुखी है। हरि मंदिर के पास चेकिंग के दौरान पुलिस को देख भागने के प्रयास में एक ही बाइक पर सवार 3 बदमाश गिर पड़े, जिन्हें पुलिस ने धर दबोचा। रघुनाथ मुन्ना के पास से एक लोडेड पिस्टल बरामद किया गया है। उसका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और जेल की हवा खा चुका है। वो जमानत पर बाहर आया हुआ है। आशंका है कि वो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में था। आइए सुनते हैं कदमा थाना प्रभारी क्या कहते हैं। लॉकडाउन का उधर रोकने के लिए इंसिडेंट कमांडर और थाना प्रभारी एवं थाना के पुलिस बल के द्वारा चेकिंग लगाई गई थी। हरि मंदिर के पास चेकिंग के क्रम में एक अपाची बाइक से 3 सवार व्यक्ति तेजी से भागने का प्रयास किए, जिसे पुलिस बल के द्वारा घेर कर पकड़ा गया। पकड़ने के क्रम में उनकी जमा तलाशी ली गई। तलाशी के क्रम में रघुनाथ मन्ना नाम का एक कुख्यात अपराधी, जो पूर्व में आम सेठ के केस में जेल जा चुका है, उसके बाएं कमर में एक लोडेड देसी कट्टा मिला। ठीक है, पहले भी जेल जा चुका है क्या? ये पूर्व में भी जेल जा चुके हैं और इनका पेशा आए दिन लोगों को डरा धमका कर रंगदारी मांग। करीब 3 माह से बंद पड़े कपड़े और जूते दुकानों को आखिरकार सरकार की हरी झंडी मिल गई है और अब बाजार में एक बार फिर रौनक लौट आई है। विभिन्न बाजारों में कपड़े और जूते दुकानों के खुल जाने के बाद एक तरह से रौनक फिर से लौट आई है। साथ ही दुकानदारों ने भी खुशी और सरकार के प्रति आभार प्रकट किया है। मगर कपड़े दुकानों में ट्रायल रूम को अभी मनाही है, यानी ग्राहक कपड़े पहनकर ट्रायल नहीं कर पाएंगे। प्रशासन ने लोगों से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सलाह दी है। हालांकि पहले दिन इन दुकानों पर उतने ग्राहक नहीं आए, पर धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो जाएगा। हाँ। 3 महीना बाद दुकान खुला है, अब साफ सफाई चल रहा है, फिर ग्राहक अब आएगा, देखेंगे क्या होगा। जो है खराब हो गया है, रखे ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या होता है, बिजनेस कैसा चल रहा है। दुकान पूरा 3 महीने 89 डेज बाद खुला है। 3 महीने बाद खुला है। लेडीज लोग का तो फैशन हर हफ्ते चेंज होता है। मेरी लेडीज की कुर्ती की दुकान है। सरकार जो निर्णय लिया है इतना दिन बाद, आज 3 महीना होने जा रहा है, उसका बाद दुकान खोला है, उसका चलते बहुत हम खुश है। भारत सरकार द्वारा जारी 3 महीने का लॉकडाउन कपड़ा एवं जूता व्यवसायियों के लिए अब खत्म हो चुका है। हम लोग सरकार को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। एक तरफ सरकार ने हेलमेट और मास्क को अनिवार्य कर दिया है, पर अभी कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इन नियमों का अनुपालन करना तो दूर, उल्टा पुलिस कर्मियों से ही उलझने लगे हैं। ऐसा ही एक मामला शुक्रवार को सामने आया, जब साक्षी मनोकामना नाथ मंदिर के पास चेकिंग अभियान चला रही पुलिस ने बुलेट सवार व्यक्ति को बिना हेलमेट और बिना मास्क पहने देखकर रोका। फिर क्या था, व्यक्ति पुलिस से ही उलझ पड़ा और अच्छा खासा मजमा खड़ा हो गया। सड़क पर जाम की स्थिति लग गई। व्यक्ति का नाम दर्शन शुक्ला है, जो मुयाडी का रहने वाला है। खुद को रसूखदार होने और किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा बता रहा था।
पुलिस इसे थाना ले गई है और बुलेट को जब्त कर लिया गया है। क्या हुआ? बिना मास्क का है, बिना हेलमेट का है, बिना मास्क का है, बिना हेलमेट का है। मोबाइल हमारा जब से छीन लिया गया है कोरोना के महामारी में, लोग प्रशासन कर रहे हैं, प्रशासन हेलमेट में व्यस्त है चेक इन करने में, लोग गरीबी भूखे से मर रहे हैं, लोग भूखे। देखिए भैया गलत बात मत बोलिए, बुलेट से चलेगा, बिना मास्क था अभी मास्क पहना है, प्रशासन आरोप लगा रही है, हेलमेट हमारा छिपा दी गई है। भारत चीन सीमा पर अब भी तनाव बरकरार है और दोनों मुल्कों के सैनिक अभी भी वहां डटे हुए हैं। भारत चीन सीमा पर तनाव और घुसपैठ को लेकर लगातार तनाव जारी है। 20 भारतीय जवानों की शहादत के बाद उस क्षेत्र में पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है और जवान और अधिकारी उस दुर्गम स्थल पर जहां तापमान माइनस से भी कम है और जानलेवा पहाड़ी चोटियाँ हैं वहाँ दिन रात डटे हैं। भारत चीन सीमा पर शहीद हुए बहरा घोड़ा के गणेश हांसदा का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा, जहां शहीद की एक झलक पाने को लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। शव को हेलीकॉप्टर से लाया गया और कोसाफिला गांव से 1 किलोमीटर पहले ही लैंड किया, जहां से शहीद के शव को पैदल ही गांव तक लाया गया। शव के आते ही हर तरफ भारत माता की जय गूंजती रही और ग्रामीण शहीद की एक झलक पाने को आतुर दिखे। वहां फूलों से सजे ताबूत को वहां से उतार कर लोगों के दर्शन के लिए रखा गया। करीब 2 घंटे बाद शव यात्रा निकाली गई। हांसदा परिवार के खेत के पास शहीद के भाई दिनेश हांसदा ने शहीद को मुखाग्नि दी। गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के कदमा स्थित कार्यालय में शहीद जवानों के सम्मान में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों ने भाग लिया। सबसे पहले वीर शहीदों की याद में 2 मिनट का मौन रखा गया, फिर उनकी तस्वीरों पर फूलमाला मोमबत्तियां से श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर चीन निर्मित सामानों के बहिष्कार का प्रण भी लिया गया। इस मौके पर नट्टू झा, अजय सिंह, जिम्मी भास्कर, कमलेश पांडे, के शुक्ला, मनोज झा, अजय मिश्रा समेत अन्य लोग उपस्थित थे। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे हमारे सहयोगी अशफाक। डॉगी जंक्शन। We know the need of your royal mate. Not only dogs, but cat, rabbits, all pets and birds, foods and medicines. Veterinary service provided by experienced doctor. All products at reasonable price. Please do visit. मुझे डॉगी जंक्शन में आके डॉगी का हर सामान मिलता है, हर फूड मिलता है, हर टॉयज मिलता है, हर मेडिसिन, डॉक्टर अवेलेबल रहता है और मार्जिन रेट पे मिलता है। मैं यहाँ अपना डॉगी को लेके 3 साल से आती हूँ, हर तरह से अपना डॉगी को लेके सेटिस्फाई हूँ।
12 डॉगी जंक्शन कदमा गौतम अपार्टमेंट में स्थित है। हमारे यहाँ डॉग्स, कैट्स, बर्ड्स, रैबिट्स, सारे पेट एनिमल्स के फूड एंड मेडिसिन अवेलेबल है। हमारे यहाँ एक्सपीरियंस डॉक्टर्स भी अवेलेबल है और सारे कुछ प्रोडक्ट्स एक रीजनेबल प्राइस में मिल। आप एक बार हमें सेवा करने का मौका दें और एक बार ज़रूर पता दें। ब्लू मून सुपर ब्रॉडबैंड सर्विस कदमा जमशेदपुर, द बेस्ट होम ब्रॉडबैंड एक्सपीरियंस। कॉन्टैक्ट 9386054900, 9162974538। सिटीज लाइफ, सिटीज लाइफ होलसेल बाजार पूरे परिवार के लिए। अब अच्छे दिन आ गए हैं। जमशेदपुर में होलसेल रेट पर कपड़ों की करें खरीदारी, बेहतर से बेहतर डिजाइन एवं स्टाइलिश क्लॉथ खरीदें, वे भी बाजार से कम कीमत में। आया जमाना नारियों के आजादी का, हम भी देते हैं साथ। एक से बढ़कर एक डिजाइनों के साड़ियां लेकर, चाहे लेनी हो बनारसी साड़ी, कांजीवरम, तांत, जामदनी, सिल्क, कॉटन साड़ी या फिर फैंसी साड़ी, सभी के कलेक्शन का है विशाल भंडार। बच्चों के जींस, टी शर्ट, शर्ट, शेरवानी, बच्चियों के लिए भी है खास फ्रॉक, कुर्ती, सूट, टी शर्ट, जींस फॉर जेंट्स, सूट, शेरवानी, कैजुअल, फॉर्मल एवं पार्टी वियर शर्ट के हैं कई वैरायटी। फॉर लेडीज सलवार सूट पीस, कुर्ती, सूट, लहंगा और साथ में है फैंसी टॉप। रिश्ता क्या कहलाता है, साथियां, काला टिक्का जैसे मशहूर सीरियल के साड़ियां एवं लहंगा चुन्नी भी मिलते हैं। सिटीज लाइफ, जहां है सभी के लिए कुछ न कुछ। तो करनी हो खरीदारी पूरे परिवार के लिए, एक बार अवश्य आएं। सिटीज लाइफ, स्टेशन रोड अपोजिट पानी टैंक, जुगसलाई, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पेट्रोल डीजल के मूल्यों में एक बार फिर उछाल आया है और शहर में पेट्रोल के मूल्य में 2.45 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि कर दी गई है। सरकार द्वारा कच्चे तेल की कीमतों में कमी के बावजूद टैक्स में वृद्धि कर दिए जाने से एक सप्ताह में तीसरी बार पेट्रोल के मूल्य में 2.45 रुपए प्रति लीटर वृद्धि हो गई है, जबकि डीजल के मूल्य में 59 पैसे की वृद्धि हुई है। शहर में अब पेट्रोल 76.22 रुपए के बजाय 78.67 रुपए प्रति लीटर बिक रही है, जबकि डीजल का मूल्य प्रति लीटर 73.19 रुपए हो गए हैं। बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। मैं कहना चाहता हूँ कि मैं तेल लेने के लिए आया हूँ, फिर देख रहा हूँ फिर रेट बढ़ गया है, तो आदमी खाएगा क्या? आदमी गाड़ी में तेल डाल के दूर जाएगा कहाँ है वर्तमान में? पेट्रोल का आज राज्य सरकार की तरफ से जो बढ़ाया गया उसमें 2.45 रुपए की बढ़ोतरी आज की गई है और डीजल में 59 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। पुराना रेट क्या है, नया रेट क्या है पेट्रोल का? पुराना रेट था आपका कल तक 76.22 और आज का रेट है 78.6। कोरोना महामारी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस वर्ष ऐतिहासिक पूरी रथ यात्रा पर रोक लगा दी है। महामारी को देखते हुए इस वर्ष लगभग हर पर्व त्योहारों पर रोक लगाई जा चुकी है। 23 जून को रथ यात्रा है, पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है, क्योंकि रथ यात्रा में लाखों लोगों का जुटान होता है, इससे महामारी फैलने का खतरा बढ़ जाता है। नागा मंदिर बेल्डी से भी हर वर्ष भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है, पर इस वर्ष यात्रा नहीं निकली, सिर्फ पूजा अनुष्ठान ही होंगे। इस बार रथ यात्रा 23 जून 2020 को पड़ा है, परंतु कोरोना के महामारी को देखते हुए और सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो हुआ है, प्रशासन द्वारा जनहित को सम्मिलित करने में हम लोग असमर्थ हैं। पूजा होगी, विधिवत होगी हर वर्ष की भांति। आषाढ़ दूज को 23 जून को इनकी यात्रा निकाली जाएगी, लेकिन मंदिर प्रांगण में ही इनकी पूजा होगी, स्नान होगी। मारवाड़ी महिला मंच द्वारा साक्षी थाने में सैनिटाइजर डिवाइस लगाई गई, जिससे 24 घंटे ड्यूटी बजाने वाले पुलिस कर्मी वायरस के प्रभाव से बचे रह सके। इस कोरोना काल में मारवाड़ी महिला मंच द्वारा कई संस्थानों में सैनिटाइजर मशीन लगाई गई है। शुक्रवार को साक्षी थाना परिसर में उक्त डिवाइस को लगाया गया,
ये हैंड्स फ्री डिवाइस है, सिर्फ पांव की मदद से सैनिटाइज लिया जा सकता है, जो तरह सुरक्षित है। मनोकामना मंदिर साक्षी में लगाए, दूसरा श्याम बाबा का मंदिर साक्षी में लगाए, तीसरा ये थाना में लगाने की बात है, चौथा हम लोग मंदिर है लक्ष्मी नारायण मंदिर में लगाए। अवकारी विभाग द्वारा शुक्रवार को कदमा के विभिन्न स्थानों पर छापामारी करते हुए अवैध जावा महुआ जब्त किया गया है। लॉकडाउन की अवधि में भी आबकारी विभाग द्वारा लगातार छापामारी जारी है। शुक्रवार को गुप्त सूचना के बाद आबकारी विभाग ने स्थानीय पुलिस की मदद से धातकड़ी समेत विभिन्न क्षेत्रों में छापामारी की। छापामारी में अवैध रूप से चलाई जा रही शराब भट्टियों को ध्वस्त कर दिया गया और भारी मात्रा में जावा महुआ जब्त किया गया। आज सीताराम डेरा धतकीडी और बिरसा नगर के हुलुंग में छापामारी किया गया, जिसमें करीब 4000 केजी जावा महुआ और 300 लीटर देसी शराब। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।